हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों बेस्ट मॉनिटर अंडर 10,000 के बजट के अंदर, जो कि आपके पीसी सेटअप के लिए बेस्ट रहेंगे और साथ ही साथ आपको लैपटॉप से साथ स्क्रीन शेयरिंग करनी है तो उसके लिए भी बेस्ट रहेंगे। ज़्यादातर लोग जो मॉनिटर बाय करते हैं वो गेमिंग पर्पस के लिए बाय करते हैं या कंटेंट वॉचिंग के लिए बाय करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग या जिनका कलर ग्रेडिंग का काम है उसके लिए बाय करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे तीन ही मेजर कैटेगरी होती है मॉनिटर बाय करने के लिए। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने बेस्ट मॉनिटर अंडर 10,000 के अंदर की एक लिस्ट बनाई है जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और आप सच में मॉनिटर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इन डेप्थ डिटेल की कौन सा पैनल मिलता है, कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट रहेगी, गेमर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका रिफ्रेश रेट, रिस्पॉन्स टाइम, कंटेंट वॉचर की क्या रिक्वायरमेंट है, एडिटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि उसका sRGB कितना होना चाहिए, NTSC लेवल कितने होने चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने दोस्तों इन डेप्थ बता रखा है मॉनिटर की बाइंग गाइड वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं एक मॉनिटर बाय करने से पहले। तो दोस्तों अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शॉपिंग बाजार। तो यहां पर नंबर 1 पर हमारी तरफ से आता है दोस्तों Acer Nitro 23.8 इंच फुल HD गेमिंग मॉनिटर। इस मॉनिटर में दोस्तों आपको 23.8 इंच की फुल डिस्प्ले मिल जाती है विद VA पैनल, जिसका कलर सैचुरेशन और कलर कंट्रास्ट काफी अच्छा है और इसका जो कलर प्रोडक्शन है दोस्तों वो भी काफी प्यारा है। रिफ्रेश रेट और रिस्पांस टाइम की बात करें तो 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस मॉनिटर में मिलता है और वहीं 1 ms का रिस्पांस टाइम आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है। बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की दोस्तों, तो इसमें आपको 2 HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है विद इनबॉक्स DP केबल और इसमें आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको AMD की फिनिशिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर स्मूदर गेम प्ले। अब बात करें कुछ स्पेशल फीचर की, तो इसके अंदर आपको Acer की ब्लू लाइट शील्ड टेक्नोलॉजी मिल जाती है टू प्रोटेक्ट योर आईज, लो डिमिंग का फीचर मिल जाता है और 72% NTSC मिलता है, यानी कि 72% NTSC दोस्तों इक्वल टू 99% sRGB। तो आप गेमिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी करना चाहते हैं तो ये मॉनिटर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये मॉनिटर दोस्तों टिल्ट एडजस्टेबल मॉनिटर है लेकिन इसमें आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। वारंटी की बात करें तो 3 ईयर्स की वारंटी आपको इस मॉनिटर पे देखने को मिलती है। और बात करें प्राइस की तो 9,699 रुपीज इस मॉनिटर का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज की बात करूं दोस्तों तो इसका जो कलर प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें आपको 72% NTSC देखने को मिलती है और साथ ही साथ आप इस मॉनिटर को मैकबुक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और PS4 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन की बात करूं दोस्तों तो इस मॉनिटर के अंदर आपको बिल्ट इन स्पीकर देखने को नहीं मिलते हैं। अगर ये चीज आपके लिए कॉन नहीं है तो इस मॉनिटर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते सेकंड नंबर के मॉनिटर की तरफ। अब सेकंड नंबर पर हमारी तरफ से आता है दोस्तों LG का 22 इंच फुल HD गेमिंग मॉनिटर। इस मॉनिटर में आपको 22 इंच की डिस्प्ले मिलती है विद TN पैनल, जो कि सबसे बेस्ट रहता है गेमिंग के लिए। बात करूं रिफ्रेश रेट और रिस्पांस टाइम की तो 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस मॉनिटर में मिलता है और वहीं 1 ms का रिस्पांस टाइम आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है। बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की तो 1 HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और हेडफोन जैक आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है और साथ ही साथ ये भी AMD फिनिशिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है फॉर स्मूथ गेम प्ले। गेमिंग फीचर्स की बात करें तो ब्लैक स्टेबलाइजर, डायनामिक एक्शन सिंक और क्रॉस हेयर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इनहेंस कर देते हैं। ये मॉनिटर भी दोस्तों टिल्ट एडजस्टेबल मॉनिटर है, इसमें आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। बात करें वारंटी की तो वही 3 ईयर वारंटी आपको इस मॉनिटर पे देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की तो 9,999 रुपीज इस मॉनिटर का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब इस मॉनिटर को कंसिडर करने से पहले आप सुनिए आप इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज की बात करूं दोस्तों तो इस मॉनिटर का जो गेमिंग एक्सपीरियंस है काफी अच्छा है नो डाउट और आपको लैग फ्री एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और बात करूं कौन की दोस्तों तो इसके अंदर आपको बिल्ट इन स्पीकर देखने को नहीं मिलता और 1 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आपके लिए ये चीज कौन नहीं है तो इस मॉनिटर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब जाइए चेकआउट करने के लिए। अब थर्ड नंबर पर हमारी तरफ से आता है दोस्तों BenQ का 22 इंच फुल HD गेमिंग मॉनिटर। ये मॉनिटर में आपको 22 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है विद VA पैनल, जिसका कलर कॉन्ट्रास्ट काफी अच्छा है। बात करें रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम की तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 5 ms का रिस्पॉन्स टाइम आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है। बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की तो 2 HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट और हेडफोन जैक आपको इस मॉनिटर में देखने को मिल जाता है। ये मॉनिटर स्पेशली डिजाइन किया है फॉर ऑफिस एंड होम यूज पर्पस, लेकिन आप इसमें वीडियो एडिटिंग और गेमिंग भी आराम से कर सकते हैं। स्मार्ट केबल मैनेजमेंट सिस्टम मिलता है जो आपकी केबल्स होती है
जो मैश हो जाती है आपके डेस्क पे, उसे ये मैनेज करके रखता है अपने फ्रेम के अंदर। बात करें कुछ खास फीचर्स की, तो इसमें आपको एडेप्टिव आई केयर टेक्नोलॉजी मिल जाती है और फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाटी है टू प्रिवेंट आई स्ट्रेन। ये मॉनिटर भी दोस्तों टिल्ट एडजस्टेबल है, इसमें आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। बात करें वारंटी की, तो वही 3 इयर्स की वारंटी आपको इस मॉनिटर पे देखने को मिलती है। और बात करें प्राइस की, तो 9,890 रुपीज इस मॉनिटर का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज की बात करूं दोस्तों, तो ये मॉनिटर ऑफिस यूज के लिए तो सबसे बेस्ट है ही। अगर आपको एडिटिंग करनी है, इलस्ट्रेटर चलाना है, या एडिटिंग का कोई सा भी काम हो, या कलर ग्रेडिंग का कोई सा भी काम हो, तो ये मॉनिटर आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस रह सकता है। कॉन की बात करूं दोस्तों, तो इस मॉनिटर में सिर्फ मुझे एक ही कॉन लगता है। हालांकि इसके अंदर स्पीकर तो मिलते हैं, लेकिन 1 वॉट के 2 स्पीकर देखने को मिलते हैं जिनका आउटपुट काफी लो है, तो वो मजा नहीं आएगा आपको म्यूजिक का। तो अगर ये चीज आपके लिए मैटर नहीं करती और आप एक्सटर्नली स्पीकर कनेक्ट करके काम चला सकते हैं, तो ऐसे में ये मॉनिटर सबसे बेस्ट है, चाहे गेमिंग करनी हो, एडिटिंग करनी हो, या आपको कंटेंट ही वॉच करना हो। तो इस मॉनिटर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब 4th नंबर पर हमारी तरफ से आता है दोस्तों LG का 21.5 इंच फुल HD बॉर्डरलेस मॉनिटर। इस मॉनिटर में दोस्तों आपको 21.5 इंच की फुल HD बॉर्डरलेस डिस्प्ले मिल जाती है विद IPS पैनल, जिसका कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो, पिक्चर प्रोडक्शन और जो कलर प्रोडक्शन होता है वो काफी अच्छा होता है। बात करें रिफ्रेश रेट और रिस्पांस टाइम की, तो 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है और वहीं 5 ms का रिस्पांस टाइम आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है। बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो 2 HDMI पोर्ट, 1 डिस्प्ले पोर्ट और हेडफोन जैक आपको इस मॉनिटर में मिलता है। इस मॉनिटर में दोस्तों आपको कलर कैलिब्रेटेड स्क्रीन मिलती है विच गिव्स यू एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन। इसमें भी आपको रेडियंट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर स्मूथ गेम प्ले। गेमिंग फीचर्स की बात करें, तो बैक स्टेबलाइजर, डायनामिक एक्शन सिंक और क्रॉस हेयर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस इनहेंस कर देते हैं। ये मॉनिटर भी दोस्तों टिल्ट एडजस्टेबल है, आप इसमें हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। बात करें वारंटी की, तो 3 इयर्स की वारंटी आपको इस मॉनिटर पे देखने को मिलती है। बात करें प्राइस की दोस्तों, 10,499 रुपीज इस मॉनिटर का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। हालांकि इसका प्राइस अभी 500 रुपए महंगा हो गया है, ये मैं वीडियो जब बना रहा हूं, नहीं तो इसका प्राइस 10,000 के अंडर ही था। अब बात करें दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, तो सबसे पहला प्रोज है कि ये मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जा सकता है, गेमिंग पर्पज के लिए, एडिटिंग के लिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए, सब चीजों के लिए ये मॉनिटर सबसे बेस्ट है। बात करूं कौन की दोस्तों, तो इस मॉनिटर में आपको स्पीकर देखने को नहीं मिलते और साथ ही साथ हाई FPS ग्लो की प्रॉब्लम आती है। हाई FPS ग्लो क्या होता है, जब आप लैपटॉप को ऑन करते हैं, जब उसका स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, तो आप देखिए कि कॉर्नर में उसके व्हाइटनेस ही आ जाती है, तो उसे हाई FPS ग्लो बोलते हैं। तो ये चीज आपके लिए अगर मैटर नहीं करती है, तो इस मॉनिटर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत अच्छा मॉनिटर है दोस्तों, अगर आपको मल्टीपर्पज यूज के लिए चाहिए तो। अब बढ़ते हैं 5th और लास्ट नंबर के मॉनिटर की तरफ। अब 5th नंबर पे हमारी तरफ से आता है दोस्तों लेनोवो का L सीरीज 21.5 इंच अल्ट्रा स्लिम मॉनिटर। इस मॉनिटर में दोस्तों आपको 21.5 इंच की फुल HD बॉर्डरलेस डिस्प्ले मिलती है विद IPS पैनल, जिसका कलर प्रोडक्शन काफी अच्छा है। बात करें रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम की, तो 75 Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है और वहीं 4 ms का रिस्पॉन्स टाइम आपको इस मॉनिटर में देखने को मिलता है। बात करें कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो 1 HDMI पोर्ट, 1 डिस्प्ले पोर्ट और हेडफोन जैक देखने को मिलता है। हालांकि जो इसकी HDMI केबल है 1.8 मीटर की इनबॉक्स में ही आपको मिल जाती है। और इस मॉनिटर में दोस्तों आपको लेनोवो स्मार्ट अर्टरी सॉफ्टवेयर मिलता है, जो अपनी ब्राइटनेस एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू कंटेंट। साथ ही साथ इसमें भी आपको रेडियंट फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी मिल जाती है फॉर स्मूथ गेम प्ले। बात करें कुछ स्पेशल फीचर्स की, तो आई केयर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ब्लू लाइट शील्ड टेक्नोलॉजी मिल जाती है और फ्लिकर फ्री विजुअल्स आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आपको आई स्ट्रेन नहीं होता, आपकी आंखों पे लोड नहीं पड़ता, पेन नहीं होता। ये मॉनिटर भी दोस्तों टिल्ट एडजस्टेबल है, इसमें आप हाइट एडजस्ट नहीं कर सकते। बात करें वारंटी की, तो 3 इयर्स की वारंटी आपको इस मॉनिटर पे देखने को मिलती है। और बात करें प्राइस की, तो 10,699 रुपए इस मॉनिटर का प्राइस है दोस्तों आज की डेट में। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज की बात करूं दोस्तों, तो कलर प्रोडक्शन काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें भी आपको 72% NTSC देखने को मिलती है, जो इक्वल है 99% sRGB के। तो ये मॉनिटर भी आप मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, कंटेंट वॉचिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई, या गेमिंग हो गई। बात करें कौन की, तो इसमें आपको स्पीकर देखने को नहीं मिलते हैं, साथ ही साथ 1 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है। अगर ये चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती है, आपके लिए कौन नहीं है, तो इस मॉनिटर का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वो 5 ऐसे बेस्ट मॉनिटर हैं जो अंडर 10,000 के बजट के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, आपके PC सेटअप के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, चाहे आपको गेमिंग करनी हो, कंटेंट वॉच करना हो, एडिटिंग का कोई काम हो, कलर ग्रेडिंग का कोई काम हो, फोटो एडिटिंग का कोई काम हो, ये मॉनिटर सभी चीजों के लिए बेस्ट है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने फ्रीसिंग टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया था, तो फ्रीसिंग और जीसिंग क्या होता है वो सभी चीजें मैंने बाइंग गाइड के वीडियो में बताया हुआ है, तो आप बाइंग गाइड वीडियो जरूर देखिए। और दोस्तों अगर ये वीडियो को पसंद आता है,
अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। और हाँ, अभी भी डाउट है मॉनिटर से रिलेटेड तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग शॉपिंग बाजार।